एक बार फिर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है, एक मरतबा फिर रिपोर्ट मांग ली गई है। अब तक जितने वाकयात हुए उनकी रिपोर्ट्स में किसको जिम्मेदार ठहराया गया, ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं उनमें से कोई भी जानता है कि एयर ब्लू के बाद, भोजा एयरलाइन के क्रैश के बाद, वो वाकया जिसमें जुनेद जमशेद भाई शहीद हुए, उसके बाद क्या रिपोर्ट सामने आई, ये किसको जिम्मेदार ठहराया गया? इनमें से किसी एक वाकये के बाद भी किसी एक एयरलाइन के सरबराह को भी अगर आज तक सड़ने के लिए जेल में डाला होता, किसी एक डिपार्टमेंट के हेड को लटकाया होता पूरी कौम के सामने निशाने इबरत बनाने के लिए, तो आज का ये वाकया ना होता। हम ये कहते हैं बड़ी आसानी से कि जी मशीन है, खराब हो सकती थी, इन लोगों की आई ही इसी तरह से थी। अल्लाह ताला की रजा के सामने हम सबका सर तस्लीम खम, लेकिन कुछ काम इंसानों और हुकूमतों और इदारों के करने के भी हैं। कतर एयरवेज, एमिरेट्स एयरलाइंस, इत्तेहाद एयरवेज, ये इसी रीजन की एयरलाइंस हैं, 250-250 एयरक्राफ्ट्स के साथ ऑपरेट कर रही हैं। सिर्फ खाली एमिरेट्स एयरलाइन 3600 परवाजें एक हफ्ते में ऑपरेट करती है। कोई एक वाकया या हादसा ऐसा नहीं है जिसमें किसी एक शख्स की जान गई हो। और ये बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, बजट एयरलाइंस उठा लीजिए, इजी जेट, रियान एयर, 458 जहाजों के साथ रियान एयर ऑपरेट कर रही है। आज तक कोई एक हादसा नहीं जिसमें किसी एक शख्स की जान गई हो। इस बार बनाइए कोई खास कमीशन, बनाइए कोई ट्रिब्यूनल, कीजिए मुल्क की तारीख की तेज तरीन तहकीकात, चाहे वो पीआईए का सरबराह है, चाहे किसी डिपार्टमेंट का हेड है, कोई भी शख्स है ताकतवर तरीन, एक मरतबा निशाने इबरत बनाए। आज के बाद कभी इस तरह का कोई वाकया पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा। अब तो यह इत्तला भी आ रही है कि फनी खराबी पहले से मौजूद थी तैयारे के अंदर, कई खतूत लिखे गए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से। अब तो जिम्मेदारी का तयन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लोगों को भेड़ बकरियां समझना बंद कर दें, इंसान समझें। ये वो तमाम लोग जिन्हें ईद अपने घर वालों के साथ गुजारनी थी, ये वो तमाम लोग जो आज अपने प्यारों के साथ मौजूद होते थे, किसी हो सकते थे किसी एक की नाअहली और नालायकी की भेंट चढ़ गए। कल जुनेद जमशेद भाई थे, आने वाले कल में शायद इकरारुल हसन होगा। इसी तरह से यह सिलसिला चलता रहेगा अगर इसे रोका ना गया।